मिष्ठान कभी भी भोजन के पहले नहीं लेना चाहिए, मिष्ठान को भोजन के बीच में भी नहीं लेना चाहिए। मित्रों नमस्कार, आज इस वीडियो में हमें भोजन में क्या, कब और कैसे लेना है इसके बारे में बताऊंगा। चैनल में आपका स्वागत है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भोजन हमेशा सीमित एवं संतुलित मात्रा में ग्रहण करना चाहिए, गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए। ऐसे खाद्य पदार्थ जो बहुत देर से पचते हैं जैसे मांसाहार, उनको लेने से बचना चाहिए। वैसे भी शास्त्रों में मांसाहार वर्जित है। खाने में पहले शीघ्र पचने वाले खाद्य पदार्थ हमें ग्रहण करना चाहिए, जैसे अंकुरित अनाज, सलाद आदि। फल भी भोजन के पहले ही खा लेना चाहिए, हल्का यानी कि शीघ्र पचने वाले, बीच में मीडियम और भारी भोजन और मिष्ठान सबसे अंत में। सुबह नाश्ते या खाने के बाद जूस, सीजनल जो फ्रूट्स हैं उनके जूस हम ले सकते हैं। दोपहर में खाने के बाद केवल छाछ या मट्ठा ले सकते हैं। रात में खाने के एक घंटे के बाद गुनगुना दूध हम केवल पी सकते हैं और कुछ भी नहीं। आयुर्वेद केवल इतने की ही अनुमति देता है। दूध के साथ खट्टे फल भूल के भी नहीं खाने चाहिए। खीर भी और रायता भी एक साथ या भोजन में आगे पीछे नहीं लेना चाहिए, ये विरुद्ध आहार माने गए हैं। दूध के साथ नमक, रात में मूली, दही, छाछ नहीं खाने चाहिए, इनसे वात, पित्त एवं कफ दूषित हो जाते हैं। स्किन की प्रॉब्लम, त्वचा रोग, कफ, खांसी, सांस में दिक्कत, सिरदर्द, उल्टी आदि की समस्या और गैस की भी परेशानी हो सकती है। त्वचा में सफेद दाग की समस्या इसमें सामान्य रूप से हो जाती है। दूध से बनी चीजों के साथ मांसाहार बिल्कुल विरोधी आहार है, इससे हमें बचना चाहिए। खाने के बाद तुरंत पानी पीना विष के समान होता है। दूध के साथ तरबूज, खरबूज या तरबूज या खरबूज खाकर पानी पीना, दोनों ही स्थितियां अत्यंत हानिकारक होती है। शरीर बहुत तेजी से इनके गुणों के कारण रिएक्ट करता है और मृत्यु तुल्य कष्ट देता है और मृत्यु तक इसमें हो सकती है, इससे अवश्य अपने को हमें बचाना चाहिए। मिष्ठान कभी भी भोजन के पहले नहीं लेना चाहिए, मिष्ठान को भोजन के बीच में भी नहीं लेना चाहिए, इसे सदैव खाने के बाद ही लेना चाहिए, नहीं तो भोजन पचेगा नहीं, ये सड़ेगा, फिर गंभीर समस्याएं उत्पन्न होगी। कच्चा भोजन यानी कि कम पकाया हुआ भोजन, अनाज, फलाहार, रसाहार, ये उत्तम प्रकृति के होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि भोजन को हम पूरा न पकाएं, ये अनाजों की बात है। सब्जियां, साग, पत्ते वाले सब्जियां अच्छे से साफ करके धोकर धीमी आंच पर ही इन्हें पकाना चाहिए। वैसे ही भोजन धीमी आंच पर ही पकाना चाहिए। खाने के और इस पीने के इस क्रम को इसी क्रम में लेना चाहिए, इसको भूल करके हमें उल्टा सीधा नहीं करना चाहिए। भोजन का समय क्या होना चाहिए, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सूर्योदय से 2-3 घंटे के अंदर जठराग्नि बहुत तीव्र होती है और सूर्यास्त के बाद 2-3 घंटे के अंदर बहुत मंद होती है। अतः सुबह का भोजन हम अधिकतम मात्रा में ले सकते हैं और रात का भोजन न्यूनतम मात्रा में हमें खाना चाहिए और ये सुपाच्य भी होना चाहिए। भोजन आराम से, प्रसन्न मन से बनाना चाहिए एवं इसको खुशी मन से और प्रसन्न मन से आराम से धीरे धीरे खूब चबाकर खाना चाहिए, तभी ये हमें लाभ देगा और इसके पोषक तत्व हमें सकारात्मक ऊर्जा और शरीर की ऊर्जा को प्रदान करेंगे। हड़बड़ाकर या जल्दी जल्दी खाना कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भूख जितनी हमें हो उससे थोड़ा सा हमेशा खाना कम खाना चाहिए।
तो ये जानकारी थी भोजन के संबंध में कि हमें कब किस क्रम में और कैसे खाना है। आशा है ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल में अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर किसी नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।